पिता के लिए वो दिन सबसे बड़ा होता है जिस दिन वो उसकी बेटी के नाम से जाना जाए। मेरे लिए वो दिन आ जाने वाला है क्योंकि कभी मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ चलने वाली मेरी बेटी आज अपने देश के लिए दौड़ने वाली है। आज मेरे साथ साथ करोड़ों भारतीयों की निगाहें मेरी बेटी हिमा दास पर टिकी हुई है। हिमा उस दिन रेसिंग ट्रैक तक तो पहुंच गई, लेकिन जितना सीधा और साफ ये रेसिंग ट्रैक दिखता है, हिमा का यहाँ तक पहुंचने का सफर उतना ही टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किलों से भरा हुआ था। आ गई खेल के। हाँ देवता, रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाना नहीं बनता, वहाँ उस बड़ी सी गेंद के पीछे भागती रहती है। अब नहीं भागूंगी माँ, कोच सर कहते हैं कि मैं किसी के पीछे भागने के लिए नहीं, दुनिया से आगे भागने के लिए बनी हूँ। मतलब ये कि वो चाहते हैं मैं अपनी दौड़ पर ध्यान दूँ। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था। घर का काम करने को बोलो तो भाग जाएगी, रसोई का काम सिखाओ तो भाग जाएगी। अरे मेरी माँ, इस बार मेडल लेने के लिए भागूंगी। तेरा ये मेडल हमारा पेट भर सकता है? तेरा मेडल हम 8 लोगों के लिए भात लेकर आएगा? अरे जाने दो, खेलने कूदने की उम्र इसकी। ठीक है, जब सर पर बैठेगी ना तब पता चलेगा। तेरे इस भाग दौड़ के चक्कर में घर के कामों पर कोई असर नहीं आना चाहिए। देवता, कोई बात नहीं, चली जा। छुपता यहाँ हेलो हेलो, रंजीत दास जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ बाबू, मैं हिमा का कोच बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। देखिए बाबू, जिस तरह से हिमा दौड़ रही है उसे इंटरनेशनल रेसिंग में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जी जरूर। लेकिन उसको ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी आना पड़ेगा। गुवाहाटी? लेकिन सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हिमा को गुवाहाटी भेज सके। बाबू आपको पता नहीं है कि हिमा इस देश के लिए क्या है और क्या हो सकती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरे घर में 8 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ मैं। हिमा की मदद मुझे खेतीबाड़ी में हो जाती है, और आपको तो पता है सर, बच्चे हमारे लिए काम करने वाले दो हाथ हैं। सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं हिमा को नहीं बेच सकता। हेलो रंजीत बाबू, बाबू देवता, देवता मेरे सिर्फ दो हाथ नहीं दो पैर भी हैं, एक बार जाने दीजिए ना देवता, एक बार हाँ कर दीजिए ना, पता नहीं फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार दौड़ने दीजिए ना, एक बार दौड़ने दीजिए। देखी माँ तू जाना, लेकिन एक वचन दे, सिर्फ भागने के लिए मत दौड़ना, जीतने के लिए दौड़ना। देवता कुछ ही दिनों में मैं अपने कोच सर के साथ गुवाहाटी चली गई। सिर्फ 1.5 साल में वो अपने मेहनत और लगन से वहां पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए लोग सालों लगा देते हैं। सुनो जुमाली जल्दी आ जाओ, रेस शुरू होने वाली है। हिमा
उसी के साथ सिग्नल मिलते ही सारे रनर्स निकल चुके हैं और सभी खिलाड़ी अपनी जी जान लगाते हुए, सभी देश अपने आप को आगे आने के लिए बहुत तेज दौड़ते हुए ट्रैक नंबर 4 पर भाग रही है इंडिया से हिमा दास। ऑस्ट्रेलियन एथलीट एला कॉनली ने बढ़त बना ली है। सारे रेसर्स अपनी जान लगाते हुए, पर लगता है ये आज किसी को आगे नहीं निकलने देगी। और इसी के साथ अमेरिकन चैंपियन टेलर मेंशन आगे बढ़ती है, पर ये क्या, अब सबसे आगे आ चुकी है हिमा दास, एक इंडियन एथलीट। वो लाइन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई, आज तक कभी किसी इंडियन ने ये कॉम्पिटिशन नहीं जीता है। हिमा दास फिनिशिंग लाइन की तरफ जोरों से आगे बढ़ती हुई। हिमा दास इस दौड़ की आखिरी लाइन को देख सकती है, हिमा दास हिंदुस्तान के इतिहास को देख सकती है और इस कॉम्पिटिशन की विजेता है हिमा दास, जिन्होंने 51.47 सेकंड में इस रेस को फिनिश किया। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाइयां। Awesome performance, sir. Seriously, fantastic, yeah, fantastic. I was, क्या कहूँ? I think कहीं ना कहीं हाँ, आप तीनों बच्चे हैं, लेकिन I think पहले डायलॉग या दूसरे डायलॉग के बाद हम कहीं ना कहीं भूल गए कि आप लोग बच्चे थे। क्या बात? Yes. हम लोग भूल गए एंड wow. इतना हम लोग स्टोरी में घुस गए कि आप सबने वो एक कहानी जिंदा कर दी हमारे लिए, तो really hats off to that. Thank you, ma'am. मुझे लगता है कि हमको, हमारी जो औरतें हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको कभी कम नहीं समझना चाहिए, उनको उतने ही चांसेस देने चाहिए, उतना ही बढ़ावा देना चाहिए जो हम अपने बेटों के लिए रखते हैं। और जो हिमा दास ने किया है, दैट इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, जो आप तीनों ने दिखाया है, that's off. क्या बात है?